गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज सरफराज अहमद फ्रॉम द हाउस ऑफ पैराडॉक्स बीएसबी। तो मिस्टर सोनू वर्मा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग sir. Mr. Sonu Kumar has complained about me that he does not how to teach. Absolutely right, because it is not possible to make to happy everybody. But there is also a matter here, my dear. I would like to suggest to you that whatever you are going to learn, that you have to know something about that things. As for when you study math and you don't know counting, then it is impossible to learn any lesson, anything of grammar. It is not possible to understand of anything. And you have complained whatever sir taught, I do not understand. I know this type of the game is going on because there are the some students who are hired by the failure teacher. I regard to all students, whether they read or not read. But it is the duty of the every teacher that make to understand. Here is the another question: it what you want to study at the time of 11th hour time. Your examination is at hand. I am giving you objective type question that when you go into the examination, that you can answer the all question that memorize in the mind. Therefore, I am not giving the subjective question. Therefore, I am giving you only objective question. पूजा कुमारी हैं हिंदी में बोलिए बेटा, यही तो देखना है लोगों को कि ऐसा लगता है ना। पूजा अभी जो बोल रहे बेटा कि हिंदी में बोलिए बेटा, मैं ये चाहता हूं कि तुम भी हिंदी बोलो और इंग्लिश बोलो और मुझसे अच्छा बोलो। मेरा ये नहीं है कि मैं शो कर रहा हूं कि इंग्लिश जानता हूं, ये मेरा कतई मेरा इरादा नहीं है बेटा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे अच्छा, एक बड़े भाई होने के नाते, एक गुरु होने के नाते, इससे बड़ा रिवार्ड मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे ये करते हो। लेकिन यहाँ पर आज कुछ बोलना पड़ रहा है कि जब हम पढ़ाने आते हैं तो मैथ सर वाले का कुछ क्रिटिसाइज होता है, और जब मैथ वाले सर आते हैं तो लोग ना पढ़ते हैं और ना पढ़ने देते हैं। ये लोग उन रिफ्यूजियल टीचर के द्वारा हैंग किए गए हैं जो अपनी भाषा नहीं बोलते हैं। देखिए वो कितना अच्छा गेम खेल रहे हैं, आपको पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं, आपको कोई चीज सीखने भी नहीं दे रहे हैं, और बल्कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम लोग इस चीज पर फॉलो नहीं करते हैं। हम लोगों के लिए बहुत आसान सा सिंपल है कि उसको ब्लॉक कर देते हैं। हम यहाँ पढ़ाने आए हैं, मजाक करने के लिए नहीं आए हैं और खेलने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, आगे आते हैं, आज शुरू करते हैं। इसमें से देखिए ये आपका सेट नंबर 3 है, whom was the potter challenging? इसमें कहा जा रहा है कि कहां कौन सा दाब है, इधर देखो कौन सा है? देखिए कह रहा है हुम वाज द पोटर। पोटर का मतलब होता है क्या चीज? पोटर का मतलब होता है कूली, चैलेंज, चुनौती करना। हुम वाज द पोटर चैलेंजिंग। तो ये स्लीपिंग पोटर का ये कविता से है, तो उसमें ये चुनौती कर रहा है यानी पहाड़ पर चढ़ रहा है। तो पहला का आंसर जो होगा हुम वाज द पोटर चैलेंजिंग, कुली किसको चुनौती दे रहा है? पहाड़ को दे रहा है क्योंकि वो पहाड़ पर चढ़ रहा था। सेकंड क्वेश्चन, मार्था यूज्ड टू टेल हर स्टोरी इन द। मार्था यूज्ड मतलब कहा करती थी कहानियां। कहां पर? हेजल ग्लेन। हेजल ग्लेन का मतलब होता है, हेजल का मतलब होता है हरा भरा, और ये पहाड़ का संकीर्ण पतला दरार टाइप का जो होता है उसी को यहीं पर बैठकर वो क्या करती है? कहानियां सुनाती है। मार्थाज स्टोरी वर्ड अबाउट एंड फेरीज। मार्था की जो कहानियां हुआ करती थी परियों की होती थी और गोनेम्स। गोनेम्स का मतलब होता है बौने का हुआ करती है। हु हैज रिटन जनवरी नाइट, ये रीडर में से है कि जनवरी नाइट का लेखक कौन है? निश्चित तौर से ये आपके मुंशी प्रेमचंद्र का है। आइए नंबर 4, हु हैज रिटन जनवरी नाइट। जनवरी नाइट को लिखने वाले कौन है? प्रेमचंद, ये अभी बताए हैं। हु वाज जबड़ा, इसी कहानी से लिखा गया है जबड़ा। जबड़ा किसका नाम है? जबड़ा इस कहानी में एक कुत्ता है जिसमें वो उसका नाम रखा गया है कुत्ते का जबड़ा। जनवरी नाइट में हल्कू अपने कुत्ते का नाम रखता है जबड़ा। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, आपको कहाँ स्वास्थ्य और भाग मिलता है? कहाँ? तो निश्चित तौर से कहाँ पर? गांव में। विद्यापति वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ। विद्यापति, देखिए इधर देखिए, विद्यापति वेयर डू यू, विद्यापति बोर्न इन द विलेज ऑफ, कहां पर जन्म लिए थे? विसापी इन मधुबनी, ये आपके दरभंगा में है, वहीं पर से जन्म लिए थे। हुम डज द फ्रेंड ऑफ राधा मेक अ रिपोर्ट, यहां पर रिपोर्ट का मतलब के टू हुम डज द फ्रेंड ऑफ राधा, राधा के मित्र किसको जाकर राधा के बारे में कहते हैं? तो जब भी आता है तो वो क्या हो जाएगा? राधा और कृष्ण। ये हुआ 8। आइए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में कह रहा है कि ये नाम है हु वाज गेसलर, द क्वालिटी लेसन में से है। तो गेसलर जो क्या था? वो जूता बनाने वाला था। तो गेसलर वाज शू मेकर, ठीक है। शो इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी, देखिए यहां पर होगा सो नहीं होगा, यहां पर होगा हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी सन एंड मून। ये कहानी के नाम के राइटर कौन हैं? कैथरीन मैंसफील्ड, ये इसकी राइटर हैं। गिल्लू वास एन क्या था? इंक्लूजन, एक्सेप्शन, अपवाद, अलाउंस, अनुमति देना, एडमायर्ड। देखिए इसमें क्या होगा? आपका एक्सेप्शनल अपवाद में था, यानी महादेवी वर्मा के पास बहुत सारे जानवर थे लेकिन गिल्लू ही एक ऐसा जानवर था जो उनके साथ बैठकर उनके थाली में खाता था। आगे आइए, मिस्टर विलियम्स इज कैरेक्टर फ्रॉम, ये मिस्टर विलियम जो हैं ये किस पाठ में हैं? तो ये जो है मी एंड द एक्लोजी बीट है ना, उसी में से इनको लिया गया है। आगे आइए, 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये इसमें से पूछा जा रहा है आरसी हचिन्सन। देखिए ये रूल है कि डी का प्रोनाउंसिएशन ड्रॉप किया जाता है। हचिन्सन इज ए नोवेलिस्ट, तो आरसी हचिन्सन कहाँ के नोवेलिस्ट उपन्यासकार थे, तो वो कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। ये आपका ब्रिटिश का मतलब हुआ इंग्लैंड, लंदन। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द फेवरेट फूड ऑफ यहां देखिए ऑफ गिल्लू। फेवरेट का मतलब होता है मनपसंद। गिल्लू जो उस कहानी में गिलहरी का नाम रहता है, तो गिलहरी का मनपसंद खाना क्या था, काजू था। सत्यजीत राय वाज ए वेल नोन, वेल नोन मतलब प्रसिद्ध थे। सत्यजीत राय प्रसिद्ध थे भारत के फिल्म डायरेक्टर के रूप में, वो भारत के डायरेक्टर के रूप में सत्यजीत राय प्रसिद्ध थे। वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, नामी। एलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेंस द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज, ये देखिए ये नाम है एलेक्जेंडर एरिस, एक्सेप्टेड स्वीकार करना, नोबेल पीस प्राइज शांति पुरस्कार ऑन बिहाफ ऑफ के तरफ से, किसकी, अपनी मां की तरफ से उन्होंने ये क्या किया था, स्वीकार किया था। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा रहा है कि द लेटर आर एक्सचेंज बिटवीन अ मदर एंड, ये आपका इसमें से है द टू होरिजन्स कहानी में से है, जिसमें माँ बेटी की कहानी है। इसमें से द लेटर आर एक्सचेंजेज माने लिया जाता था, यानी लेटर चिट्ठी भेजा जाता था और लिया जाता था बिटवीन अ मदर, माँ और बेटी के बीच में। द पीस फॉर लिविंग इज रिटन बाय 18, द पीस फॉर लिविंग इज, ये जो कहानी लिखी गई है वो किसके द्वारा, अभी तुरंत आया था आरसी हचिन्सन के द्वारा। महादेवी वर्मा इज ए, यहां एन है तो एन आ गया, तो अफ्रीका हो ही नहीं सकता है, अमेरिका हो ही नहीं सकता है, श्रीलंका हो ही नहीं सकता है, इंडिया होगा। महादेवी वर्मा भारत की कवित्री हैं, पोएट्स मतलब होता है कवित्री, अब पोएट मतलब होता है कवि, यानी ये फेमिनिन हो गया। गिल्लू वाज द नेम ऑफ, गिल्लू नाम था स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब क्या होता है, गिलहरी। गिल्लू गिलहरी का नाम था। आगे आइए। ये रहा आपका क्वेश्चन 21, आंग सांग सू की, ये देखिए ये नाम है, इज ए फेमस, भारतीय नहीं है, अफ्रीकन नहीं है, चाइनीज नहीं है, बर्मास पॉलिटिशियन। फेमस माने प्रसिद्ध, बर्मन्स माने बर्मा का पॉलिटिशियन। आंग सांग सू की बर्मा की ये क्या है, राजनीतिक हैं। व्हेन डिड आंग सांग सू की गेट द नोबेल पीस प्राइज, आंग सांग सू की को कब नोबेल पीस प्राइज मिला, 1993 में मिला। वेयर डिड, एक मिनट, व्हेन डिड आंग सांग सू की गेट द नोबेल पीस प्राइज, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, 91 सही होगा। ठीक है, वेयर डिड द ओल्ड वाइज लेडी लिव, अब ये वंस अपॉन टाइम कहानी में कहे कि उसमें जो ओल्ड वाइज लेडी बुद्धिमान महिला बूढ़ी औरत रहती थी, तो वो कहाँ रहती थी, शहर से हटकर एक गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। हु हैज डिलीवर द स्पीच, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये कह रहा है हु माने कौन, डिलीवर माने देना, स्पीच माने भाषण, किसने द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का भाषण दिया था, तो इसका दिया था हुमायूं कबीर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं और आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द नेम्स ऑफ द टू लिटिल वाइस गर्ल्स आर, दो द लिटिल गर्ल्स वाइजर वाइज, द नेम ऑफ टू लिटिल गर्ल्स, द नेम ऑफ द टू लिटिल वाइज गर्ल्स आर, दो छोटी बुद्धिमान लड़कियों का नाम था, क्या था, अकुल्या और मलाशा, ये आपका होगा। लेकिन एक चीज यहां पर देखिएगा, ये यू यहां पर नहीं होगा, अकुल्या होगा, स्पेलिंग यहां पर गलत दिया गया है। विच एनिमल मैसेज ऑफ, मैसेज मतलब होता है उसको रगड़ कर या पैर से मार कर क्या करना, बिखराना। मिसेज ग्रीनीज यार्ड, यार्ड माने होता है आंगन, यहाँ पर बगीचा जो सामने का जो फुलवारी वगैरह के लिए किया जाता है उसको, तो उनका जो कौन सा जानवर ने मिस ग्रीनी के जो बागवानी था उसको पैर से रगड़ दिया था, तो वो है डॉग है। अगला क्वेश्चन है 26, 27, 27 क्वेश्चन कह रहा है बाबू, वेयर डिड द राइटर, देखिए यहां पर थोड़ा सा WRITER ऑफ द पीस फॉर लिविंग वॉच द प्ले, ये कहानी है द पीस ऑफ लिविंग के जो लेखक हैं उन्होंने कहां पर ड्रामा को देखा था, तो उन्होंने देखा था डबलिंग में। स्पेलिंग देखिएगा बहुत मिलता जुलता है लेकिन ये डबलिंग होगा। वन देखिए, ओड ऑन सोलिट्यूड, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ओड ऑन सोलिट्यूड इज रिटेन बाय, ये कविता है। ओड का मतलब होता है गीत, सोलिट्यूड मतलब अकेले का, तो अकेले का गीत, यानी पोएम का नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटेन बाय एलेक्जेंडर पोप, यहां पर पेपर दे दिया है POPE। यही सब गलती है और यही सबको पकड़ना है, जो आप लोग से कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल हो जाएगा, अगर कोशिश कीजिएगा ध्यान से देखिएगा तो। आगे आइए 29 में है, 29 में कह रहा है कि द पॉलिथीन बैग मेल्ट, तो पॉलिथीन बैग जो आप बाजार से सामान लाते हैं वो जानते हैं, मेल्ट्स, मेल्ट माने पिघलता, पिघलना, मेल्ट डाउन, व्हेन ए लिटिल इज अप्लाइड, उस पर दिखाया जाता है का चीज या उसके पास किया जाता है, वार्थ, वार्थ माने गर्मी, यानी जब भी हल्की सी गर्मी पॉलिथीन बैग पर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। बेटा देखो यहाँ पर ये है अकुल्या, किताब में देखो अकुल्या का स्पेलिंग यहाँ पर जो है यू नहीं है, किताब में देखिए, ठीक है। अकुल्या और या राइट, अकुल्या और मलाशा, ये स्पेलिंग हम देखे बोले थे, राइट ए होगा। ठीक ठीक राइट, वेल डन। इसका मतलब आप काफी ध्यान से पढ़ रहे हैं। हाँ कहाँ थे क्वेश्चन नंबर, हाँ 29। आइए 30। हार्ट, इम्पटी मने खाली, हार्ट मने हृदय। टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय। जो कविता इसमें है द इम्पटी हार्ट टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम, जिसमें समस्या आती है किस कारण से, तो वो क्या होता है, ग्रीड के वजह से, लालच के वजह से। ठीक है, द कोयल इज फुल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन बिकॉज इट्स इज नॉट विथ हर। द कोयल, ये पोएम है आपका, इज फुल ऑफ डिससेटिस्फाइड, ये देखिए नेगेटिव वर्ड है, असंतुष्ट है, बिकॉज इट्स लवर इज नॉट विथ हर, क्योंकि इसका जो प्रेमी है वो इसके साथ नहीं है। हाउ डज द कोयल फील, कोयल कैसी महसूस करती है। कोयल एकदम क्या है, आपको रेस्टलेस है, बेचैन है, परेशान है। देखिए आप जो करेक्ट करवाए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये एक बात हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए टीचर का जो मेमोरी है वो उसका भर गया है और आपका जो मेमोरी है पूरा अभी ब्लैंक है, उसमें जितना डालिएगा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और ये जान लीजिए बेटा कि आप ही के बदौलत, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो जितने भी फालतू किस्म के टीचर हैं वो खत्म हो जाएंगे और पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड होगा वो अच्छा लेवल का होगा। मैंने गलती किया, आपने पकड़ा, ये बहुत मार्केबल बात है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जब मेरे ही बच्चे मुझे बताते हैं कि सर आप ये गलती कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई उपहार नहीं होता है। और सीखने के लिए अगर नर्सरी क्लास का मुझको बच्चा कहेगा कि सर ये गलत लिखे हैं, तो मैं उसको तहे दिल से स्वीकार करूंगा, मुझको इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ये न कहे बैठो चुप रहो तुमको नहीं आता है, वो बात नहीं है बेटा, मुझको बहुत खुशी होती है। आगे आइए, वहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं, ये ट्रांसलेशन है, वहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। देखिए वहां का अंग्रेजी देयर होगा और ये होगा द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन लिव देयर। ठीक है, आज बहुत गर्मी पड़ रही है। अब देखिए, आज बहुत गर्मी पड़ रही है, इट इज हॉट। देखिए यहां गलती लिखा गया है, तो एक्सट्रीमली हॉट होगा, जो इसमें नहीं होगा तो ये होगा। क्या पटना गंगा नदी के किनारे बसा है, बसा का अंग्रेजी होता है बसना का सेचुएटेड, और ये पेसिव वॉइस में। अब क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव, पटना का अंग्रेजी वही होगा, गंगा का गंगा ही होगा, नदी रिवर होगा, और किनारे का अंग्रेजी हो जाएगा बैंक। अब देखिए क्या लगा हुआ है, तो इसमें आंसर आप ही के पास है। इंट्रोगेटिव हो गया तो इसमें सबसे पहले इज, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इज पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, ये आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेलना एक प्रकार का व्यायाम है, तो देखिए ये दो तरीका से बनता है, एक जीरंड से, यानी जब वर्ब 4 रहता है यानी वर्ब में ing रहता है और नाउन के तरह काम करता है उसको जीरंड कहते हैं। और एक बनता है फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव मतलब टू वर्ब 1 उससे बनता है। तो प्लेइंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। देखिए प्लेइंग इज ए काइंड ऑफ एक प्रकार, यहां ए नहीं है ये भी नहीं हुआ, प्लेइंग आर तो यहां पर गलत हो गया, टू प्ले यहां पर गलत हो गया, नॉन ऑफ देम इसमें ये हो गया। मैं नाश्ता कर चुका हूं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है, मैं नाश्ता कर चुका हूं तो आई के साथ हैव टेकन। यहाँ नाश्ता करने का अंग्रेजी होता है टेक और टेक का तीसरा रूप होता है टेकन माई ब्रेकफास्ट। तो आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट ये आपका होगा। आगे बढ़ते हैं 37 में। ही स्पीक्स भोजपुरी, ही स्पीक्स इंग्लिश। अब इसमें जो क्या होगा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़े होंगे तो उसमें आएगा एक वर्ड आता है बोथ और एंड। तो बोथ के बाद क्या होता है, अगर एंड के पहले नाउन आता है तो एंड के बाद भी नाउन आना चाहिए, अगर एंड के पहले एग्जेक्टिव आता है तो एंड के बाद भी एग्जेक्टिव आना चाहिए, अगर एंड के पहले प्रोनाउन आता है तो इसके बाद भी प्रोनाउन आना चाहिए। तो ही स्पीक्स भोजपुरी इंग्लिश। तो अब यहां पर ही स्पीक्स भोजपुरी बिकॉज ये हो ही नहीं सकता है। ही स्पीक्स बोथ भोजपुरी एंड इंग्लिश ये होगा। अब ही स्पीक्स भोजपुरी बट इंग्लिश ये भी नहीं हो सकता है, ही स्पीक्स भोजपुरी टू इंग्लिश ये भी नहीं होगा। आइए She has two sons, देखिए एक ही आदमी है इसको 2 लड़के हैं। She has to educate शिक्षित them, यानी एक ही आदमी है जिसको 2 लड़के हैं और उसी को उन दोनों बच्चों को क्या करना है, शिक्षित करना है। She has two sons to educate them तो यहाँ पर होगा वाज नहीं होगा, टू सन्स वेन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं आ गया तो यहाँ बच गया सी हैज टू सन्स टू एजुकेट देम, उसे 2 पुत्र हैं शिक्षित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पर आते हैं तो यहाँ देखते हैं तो ये क्या है, आई वेंट देयर द ऑफिस वाज क्लोज्ड। आई वेंट देयर देखिए ये क्या होता है क्लॉज हो रहा है। I went there, the office was closed. When I went there, the office was closed. तो इसका ये होगा शुरू में ही आपको आ गया When I went there, the office was closed. यहाँ पर when I went there, that the office was ये डबल कंजक्शन नहीं होगा। अब ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, अब ये बच गया आपका When I went there the office was closed, यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा 2 काम हो गया, एक जाना हो गया और दूसरा देखना कि ऑफिस बंद है। तो When I went there the office was closed, जब मैं वहां गया तो ऑफिस बंद था। अब आइए सर 41 का एब्रिविएट ये होता है आपका स्पेलिंग ABBREVIATE, इसका हिंदी होता है संक्षिप्त करना। आगे बढ़ते हैं फोर्टी टू। एक्सीलरेट AC लिबरेट, हिंदी लिखा होगा हिंदी, एसिलरेट यानी इसका हिंदी होता है गति बढ़ाना। अब देखिए एसिलरेट, ये आपको इसमें चार गो आपको क्या बोला जाता है, ये जो वर्ड डिवाइड किया जाता है उसमें आ गया। गुड स्लीप इज नेसेसरी, यहाँ स्लीप का अर्थ होगा नींद, अच्छी नींद जरूरी है। फोर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद जरूरी है। 44 में हम लोग आते हैं तो इसमें कह रहा है माई वॉइस रिवेबरेट, रिवेबरेट का मतलब होता है इको करना, है ना। वॉइस माने आवाज। द वॉल ऑफ कैस्टल, कैस्टल का मतलब होता है किला, तो मेरी आवाज किला में क्या करती है, वो टकराती है, आती है, तो वहां से जाती है और जाकर आती है, तो यहां पर होगा क्या चीज, फ्रॉम होगा। अ स्टीडी माइंड ट्रिम्स डिफिकल्टी, अब देखिए जिसका दिमाग एकदम स्थिर बना रहता है वो ओवर डिफिकल्टीज, तो ट्रम्प मतलब होता है जीत, तो जिसका दिमाग दृढ़ रहता है वो परेशानियों के ऊपर जीत पाता है। द टीचर टेल्स द स्टोरी, अब इसमें से सही आपको चुनना है कि कौन सा सही है। देखिए द टीचर टेल्स द स्टोरी, अब इसको पैसिव बनाने के लिए करा, हालांकि दिया नहीं है, The story is told by the teacher. The story यहाँ कोई नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया हुआ है। The story is told by the teacher. The teacher tells the story. शिक्षक कहानी कहता है, और यहाँ पर होगा कहानी शिक्षक के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 द फादर स्कोल्डेड, स्कोल्ड माने डांटना, हिज सन्स। अब देखिए द फादर स्कोल्डेड, डांटना हिज सन्स, पिता अपने बच्चों को डांटता है। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का, और ये प्लुरल हो गया, तो हिज सन्स। तब यहां पर क्या होगा, द सन्स। अब देखिए यहां पर जो एग्जेक्टिव है वो यहां पर आपको लेकर बदल दिया आर्टिकल में, और यहां जो आर्टिकल है उसको एग्जेक्टिव में बदल दिया, तो यहां सन्स है, वर स्कोल्डेड बाई, तो यहां पर बच्चों का सन्स का प्लुरल एडजेक्टिव होगा देयर। द सन वर स्कोल्डेड बाय देयर फादर, द सन्स वर स्कोल्डेड बाय द सन्स वर स्कोल्डेड, द सन्स वर स्कोल्डेड बाय द फादर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो द फादर स्कोल्डेड हिज सन्स, पिता ने अपने बच्चों को डांटा, और बच्चे अपने पिता के द्वारा डांटा। द गार्डनर हैज वाटर्ड द फ्लावर, माली ने फूलों में पानी पटाया। वाटर्ड माने पानी होता है, और वर्ब जब प्रयुक्त कीजिएगा तो पानी पिलाना भी होता है और पानी पटाना भी होता है। एक वर्ड का कई मीनिंग होता है बाबू, प्ले माने खेल होता है, पले मने खेलना होता है, पले मने ड्रामा होता है, पले मने बजाना होता है। बहुत सा मीनिंग है, ये वर्ड पर निर्भर करता है। द गार्डनर हैज वाटर्ड द फ्लावर्स। अब यहाँ हैज है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, बीन। तो फ्लावर्स है तो हैव बीन, यहाँ पर बीन, ठीक है, फ्लावर्स हैव बीन। अब आगे देखना है, वाटर्ड यहाँ तीनों में है। अब द गार्डनर, बाई द गार्डनर, तो यहां नहीं है द, यहां नहीं है, यहां नहीं है, और यहां पर है तो बाई द गार्डनर, इसलिए आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टीचर बीट द चिल्ड्रन। ये देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता तो एस लगा रहता है, और आप जानते हैं कि बीट का वर्ब टू भी बीट होता है। द टीचर बीट द चाइल्ड, शिक्षक ने बच्चे को पीटा, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो अब यहाँ क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनाने में क्या लगेगा, वाज। द चाइल्ड वाज बीटेन, अब यहां वर है तो चाइल्ड के साथ वर नहीं लगेगा, यहां कोई एजेंट नहीं है। अब यहां पर द चाइल्ड वाज बीटन बाय द टीचर, ये आपका आंसर होगा। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, ये देखिए मस्ट जो होता है एक्सोलरी वर्ब का है, और इसका प्रयोग ऑर्डर देने के लिए करना किया जाता है। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल, हमें अवश्य ही ट्रैफिक यातायात का नियमों का पालन करना चाहिए। आगे देखिए इसी को, तो इसका कह रहा है कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश। इंग्लिश मस्ट बी, देखिए लर्न का थर्ड रूप होता है लर्न्ड, और यहाँ फोर है, ये नहीं होगा, इसमें लर्न है और लर्नेड नहीं होगा, तब ये हो जाएगा इंग्लिश मस्ट बी लर्न्ड बाय यू। और एक बात और देखिएगा कि मॉडल एक्सोलरी वर्ब के साथ बी लगाया जाता है। अब आइए फिर बुक में आ गए, एज पर, जैसा कि एक्सेप्टेंस स्पीच, ये स्टोरी का नाम है। The struggle taking place in Rangoon was for. इस कहानी में एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकार किया जाने वाला भाषण, द स्ट्रगल माने संघर्ष, टेकिंग प्लेस रंगून, यानी रंगून देश में जो संघर्ष हुआ था वो किसके लिए हुआ था, फोर इमानिसिपेशन आजादी, फॉर ह्यूमन स्प्रिट फ्रॉम पॉलिटिकल टैरेंट। तो इमानिसिपेशन का मतलब होता है आजादी, ह्यूमन स्प्रिट यानी मानव के आत्मा का, फ्रॉम द पॉलिटिकल टैरेंट, टायरेनी का मतलब होता है राजनीतिक, यहाँ पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, और टायरेनी का मतलब होता है अत्याचारी। तो ये जो संघर्ष हुआ था वो मानव आत्मा के आजादी के लिए हुआ था, राजनीतिक अत्याचारों से, अत्याचारी से। आइए 52 जो कह रहा है, टोनी मॉरिसन, ये नाम है, रिसीव्ड प्राप्त करना, नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, किस क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाय ट्वीटरिंग, ये बराबर क्वेश्चन आता है, गिल्लू वुड इन्फॉर्म, इन्फॉर्म माने सूचित करता था, बाय ट्विटरिंग, ये गिलहरी की जो आवाज होती है उसका नाम है ट्विटरिंग, चिक चिक, आप पढ़े होंगे तो ये होगा। एल्डरली पीपुल इन द स्टोरी, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, were ashamed because ये आपका आ रहा है कि elderly people माने बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, छोटी बच्चियां आदमियों से बुद्धिमान थी, वर असेम्ड, असेम्ड माने शर्मिंदा हुए थे, बिकॉज लिटिल गर्ल्स वर क्वाइलिंग, क्योंकि छोटी लड़कियां झगड़ा कर रही थी, लिटिल गर्ल्स वर डांसिंग, छोटी लड़कियां डांस कर रही थी, लिटिल गर्ल्स बिकेम फ्रेंड्स, और वो क्या हो गई थी, थोड़ा देर के लिए झगड़ा हुआ था और फिर दोस्त हो गई थी, ये हुआ था, और बड़े लोग लड़ाई जारी ही रखे थे। ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेजिम एंड वार। देखिए, मानवता कैन नॉट लॉन्गर, ज्यादा दिनों तक चल सकता है, ट्रेजिटिकली बाउंड, बंधन जो दुखांत, टू द स्टारलेस मिडनाइट और रेसिज्म, जातिवाद और वार। अब यह कह रहा है कि मानवता जो आपको दुखांत बंधनों से बंधा हुआ है, जातिवाद से और युद्ध से, वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है। इस लाइन को बोलने वाले कौन थे, मार्टिन लूथर किंग बोलने वाले थे। आगे बढ़ते हैं 56। में कहा जा रहा है, इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, द गर्ल्स आर नेम्ड। देखिए, फिर यहां पर आया मलाशा एंड अकुल्या, इसमें तो क्लियर है, नताशा दे दिया है, एनी दे दिया है, मैरिया दिया है, ये सही होगा। द बॉय इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड, डिफाइल्ड का मतलब होता है प्रदूषित होना, खराब होना। द बॉय इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड यानी प्रेम को दूषित करना, डेवलप्ड मतलब होना, कोल्ड फीट, कोल्ड फीट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, इनकार करना, टुवर्ड्स की ओर, टाइंग द नॉट मतलब शादी, विथ द गर्ल ड्यू टू मतलब लड़के, लव डिफाइल्ड्स में जो लड़के का डर पैदा हुआ वो किसके वजह से, जो उनसे शादी करने के लिए इनकार किए थे, तो वो कौन थे, डिफरेंसेड इन देयर कास्ट, उनका जात अलग अलग था, ये भी नहीं था, डिफरेंस इन देयर रिलीजन, उनके धर्म अलग थे, ये भी नहीं था, पेरेंटल ऑपोजिशन, ये देखिए उनके माता पिता उस शादी के खिलाफ थे, इसलिए आगे आगे बढ़ते हैं 58 में। 58 में कहा जा रहा है कि व्हेन द ऑथर ऑफ मी एंड द एक्लोजी बीट, एक्लोजी मतलब होता है पर्यावरण, बीट जगह, तो वेंट टू मिस्टर विलियम्स, वेन द ऑथर लेखक इस कहानी क्या, वो जब जाता है विलियम्स, ही वाज वो क्या कर रहे थे, बर्निंग फायर आग जला रहे थे, नहीं, बर्निंग फॉरेस्ट जंगल जला रहे थे, नहीं, बर्निंग स्ट्रॉ भूसा जला रहे थे, बर्निंग लीव्स पत्तियों को जला रहे थे। द एम्प्टी हार्ट, ये जो पोएम है, हैज बीन कंपोज, कंपोज माने रचना करना, लिखा गया था किसके द्वारा, जो आपको प्रियासामी थरुन के द्वारा, प्रियासामी थरुन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू, गिल्लू कहानी के अनुसार स्क्वायरल्स गिलहरियों हैव लाइफ स्पेन ऑफ, तो गिलहरियों का जीवन होता है कितना दिनों का, तो 2 years का होता है। ज्यादा से ज्यादा ये 2 साल तक जीते हैं। 61 में है द ऑथर बाउट ए पेयर ऑफ बूट, लेखक बाई का दूसरा रूप है, खरीदा पेयर जोड़ा ऑफ बूट फ्रॉम अदर शूज, दूसरे दुकान से वो जूता खरीदा। दोज वर नॉट, और वो दूसरे दुकान से जो खरीदा था तो वो जूते कैसे थे, वो नाउ फैशनेबल कंफर्टेबल बैड, वो क्या थे, बैड थे, क्योंकि वो जूता उनको अट नहीं रहा था, आराम नहीं पहुंचा रहा था, दिक्कत हो रहा था। द ऑथर बाउट ए पेयर ऑफ बूट फ्रॉम द अदर्स सोप वर नॉट कंफर्टेबल, नॉट यहाँ नेगेटिव वर्ड दे दिया है, नॉट कंफर्टेबल आरामदायक नहीं था। नॉट बैड का मतलब हो जाएगा अच्छा था। जैसे आप ये कहते हैं आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, और इसी बात को कह रहा है आई एम नॉट डिसऑनेस्ट। तो आई एम ऑनेस्ट मैं ईमानदार हूं, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट मैं बेईमान नहीं हूं, तो इसका मतलब ईमानदार नहीं हूं। ये इंग्लिश की खूबसूरती है। द ऑथर विजिटेड द शू मेकर्स शॉप, लेखक भ्रमण करता था जूता बनाने वाले दुकान पर। इनफ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली माने बराबर, और इनफ्रीक्वेंटली मतलब बराबर नहीं, तो ये हो जाएगा आपको नहीं, एवरी ईयर नहीं, ग्रेटली नहीं, ये आपका हो जाएगा। मिस्टर गेसलर्स बूट वर एक्सीलेंट, तो मिस्टर गेसलर का जो जूता होता था, एक्सीलेंट का मतलब होता है शानदार। बिकॉज ही लर्न्ड मेकिंग बूट फ्रॉम हिज मास्टर, क्योंकि उसने जूता बनाने को सीखा था अपने गुरु से। मेकिंग बूट वाज अ प्रोफेशन, उनका पैसा था, फॉर हिम उनके लिए नहीं। मेकिंग बूट्स वाज एन आर्ट फॉर हिम, देखिए उनके लिए क्या था, गेसलर के लिए एक कला था। आगे बढ़ते हैं 64 में हम आते हैं। यहां पर क्वेश्चन आता है फोर में कहा जाता है कि मिस्टर गेसलर वाज नॉन टू द ऑथर फ्रॉम, मिस्टर गेसलर वाज नॉन, मिस्टर गेसलर जाने जाते थे लेखक के द्वारा, फ्रॉम डेज उन दिनों से, ऑफ हिज यूथ, यूथ माने बचपन, तो मिस्टर गेसलर ऑथर के द्वारा जाने जाते थे उनके बचपना से, क्योंकि He made his father boots, क्योंकि गेसलर लेखक के पिताजी के जूता बनाते थे और वो उन्हीं के साथ जाता था। मिस्टर गेसलर हैड हिज शॉप इन, मिस्टर गेसलर का जो दुकान था कहाँ था, लंदन में था। आइए 66 में कह रहा है इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू मिस्टर गेसलर शॉप वेरी ऑफन बिकॉज, इट वॉज नॉट पॉसिबल संभव नहीं था, टू गो जाना, मिस्टर गेसलर के पास, शॉप दुकान, वेरी ऑफन बराबर, ऑफ्टन बिकॉज हिज बूट्स लास्टेड लॉन्ग, क्योंकि उनकी जूता बहुत दिनों तक चलती थी। स्लो स्टार्वेशन यानी धीरे धीरे भूख न लगना, वाज द कॉज ऑफ गेसलर, क्या चीज, डेथ, उनको धीरे धीरे भूख खत्म हो गई जिसके वजह से, स्टार्वेशन मतलब होता है भूख, इसी से बना है स्ट्राइक, कारण ऑफ मिस्टर गेसलर डेथ। सन एंड मून हैज बीन रिटन बाय, सन और मून ये जो कहानी है इसको लिखा गया है कैथरीन मैंसफील्ड, ठीक है। आगे आते हैं 69 में। 69 में पूछा जा रहा है एंड वेलिंग लाउडली, यानी जोर से चिल्लाता हुआ सन स्टम्प ऑफ लड़ना टकराना टू द कहां नर्सरी। ठीक है, नर्सरी का यहाँ पर नर्सरी का मतलब होता है जो बाग बगीचा लगाया जाता है उसी को। योर ड्रेस इज राइट ऑफ वन साइड, तुम्हारा ऑफ यहाँ पर एक तरफ से तुम्हारा ड्रेस सही नहीं है। हु सेड, ये बात किसने कहा? इस बात को कहा मून ने सन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71 के बाद आते हैं, 70 के बाद सेवेंटी टू, 70 के बाद 71। देखिए सर 71 में कहा जा रहा है कि गुड, देखिए यहां पर लिखा गया है गॉड नाइट, जबकि यहां पर होगा गुड नाइट माई प्रीसियस बेबीज, मेरे प्यारे अनमोल बच्चे। हु सेड, ये बात किसने कहा? फादर नहीं कहा, गर्ल ये भी नहीं कहा, द नर्स, नर्स यहाँ पर नर्स का मतलब हुआ हॉस्पिटल का नहीं, नर्स का मतलब होता है परिचायिका यानी सेवा करने वाली। तो ये घर पर भी रहती है बच्चे को, जिसको हम लोग अपने देहाती भाषा में दाई कहते हैं, मदर होगा। मून इज हेयर, अब यहाँ पर इस कहानी में मून एंड सन, इस कहानी में मून किसके लिए किया गया है? प्लेनेट, ग्रह के लिए नहीं भाई, कि बच्चा लड़का है। सन सॉरी गर्ल, मून यहाँ पर गर्ल है, सॉरी मून यहाँ पर क्या चीज है? गर्ल है। और सन इज हेयर अ बॉय, और सन को बेटा के रूप में दिखाया गया है। ए पार्टी इज ऑर्गेनाइज, आयोजित किया गया, एट द हाउस, घर पर, ऑफ के लिए, किसके लिए? ए पार्टी इज ऑर्गेनाइज, एक पार्टी स्थापित की गई, एट द हाउस ऑफ, किसके घर पर? सन के घर पर। ऑर्गेनाइज आयोजित करना। द डाइनिंग हॉल, जहां खाया जाता है, डेकोरेटेड, सजाया गया था, विथ द बंच ऑफ, बंच मतलब गुच्छा, रोजेस, ये कल आया था क्वेश्चन। व्हाट वाज द ट्रबल विथ हिम, उनके पास क्या दिक्कत था? देखिए ये बड़ा अजीब किस्म का है, व्हाट वाज द ट्रबल विथ हिम, ये एलर्जी लेसन से गए है, और ये हो रहा है कि जो आदमी डॉक्टर के पास आया था तो उसको क्या था? ईचिंग, यानी जहां तहां उसको क्या हो रहा था? खुजलाहट हो रहा था। हु एक्सप्लेन्ड एलर्जी, एलर्जी के बारे में कौन चर्चा किया? एक्सप्लेन मैंने बताया कि एलर्जी कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो द डॉक्टर, डॉक्टर ने बताया। अब देखिए, द लॉयर हैड टू बिगिन द कॉन्फाइनमेंट, तो वकील को हैड टू बिगिन, शुरू करना था, यानी कॉन्फाइनमेंट मतलब गृह में, मैंने अपने आप को कैदी करना। फ्रॉम द 12 o'clock 12 बजे ऑफ नवंबर 14, 14 नवंबर के 1870 से, ये आपको द बेट का स्टोरी है। आइए 79 में कह रहा है द बैंकर टूक द शीट, बैंकर ये कैरेक्टर है, टूक मने लेना, शीट मतलब होता है पेपर, जो चिट्ठी वगैरह है। फ्रॉम द टेबल, टेबल से, एंड उसको क्या किया? तो उसको क्या किया? टोर, फाड़ना, नहीं फाड़ा। थ्रू अवे, फेंक दिया, नहीं फेंका। बॉन्ट, जलाना, नहीं जलाया। यहाँ पर रेड, ये बाबू सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ रहे हैं, तो ये वर्ब 2 है और वर्ब 3 इसको पढ़ते हैं रेड। 15 years कॉन्फाइनमेंट, यानी 15 वर्ष अकेलेपन, कारावास के तरह रहना। हैड टॉट, यानी सिखा दिया था। हिम टू सिट मोशनलेस, यानी बिना हिले डुले शांत बैठे रहने का। आफ्टर 3 o'clock तीन, यहाँ पर ओ का मतलब क्या होता है, 3 o'clock, इसका अर्थ होता है अकॉर्डिंग टू क्लॉक। बाबू इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्लॉक। आफ्टर 3 o'clock द बैंकर वेंट टू वार्ड, 3 बजे रात को जब 3 बजा तो बैंकर वेंट टू टुवार्ड्स, टुवार्ड्स का मतलब की ओर। कहाँ गया था, होम में नहीं गया था, किचन में नहीं। 15 साल पहले बहुत सारे क्या चीज थे, मिलियंस यानी पैसे थे उसके पास। अब आइए, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक्सक्यूशन यानी जो फांसी होता है वो क्या होता है, फांसी किसी को लगता है तो एक ही बार उसको खत्म होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे तुमको एक बैग गोली मारकर नहीं मारेंगे, धीरे धीरे मारेंगे एकदम जहर तरपा तरपा के। तो लेकिन एक्सक्यूशन में क्या होता है, तुरंत हो जाता है। टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब बचना, परहेज करना। अननेसेसरी बेमतलब का, बेजरूरत का। र्यूमर, अफवाह। द बैंकर लॉक्ड, लॉक माने बंद करना। द पेपर यानी जो चिट्ठी मिला था। इन हिज ड्रॉवर, इन हिज सेफ, अपने अलमारी में वो बंद किया था। कैपिटल पनिशमेंट किल्स बाई, कैपिटल माने होता है उम्र, कैद। और इसका आंसर क्या होता है, इसका कैपिटल डिग्रीज, डिग्रीज मतलब क्या होता है, धीरे धीरे करके। जैसे क्या है, तुमको एकदम धीरे धीरे मारेंगे, वही कैपिटल पनिशमेंट मतलब हुआ उम्र कैद के। यहाँ पर आइए, द लॉयर वाज अ यंग मैन अबाउट, जब ये शर्त लगा था उस समय लॉयर युवा था और उस समय उसका उम्र था 25, उसकी उम्र थी कितनी, 25 साल थी। इट वाज डिसाइड, यह निर्णय लिया गया था। डैट द लॉयर, वकील को, मस्ट अंडरगो हिज इम्प्रिजमेंट, उसको हिज होम। इट वाज डिसाइडेड द लॉयर मस्ट अंडरगो हिज, आपको इम्प्रिजमेंट, ऑफिस, होम, कोर्ट नहीं, इम्प्रिजमेंट। आइए 88, द सेकेंड ईयर ऑफ द इम्प्रिजमेंट, दूसरे साल जब वो गया था कैदी के रूप में, तो द पियानो वाज, पियानो जो वाद्य यंत्र है, देखिए जब भी कोई वाद्य यंत्र आएगा तो उसके पहले आर्टिकल डी लगता है, जैसे तबला, हारमोनिया, बांसुरी, ये सब के साथ डी लगेगा। वाज हियर्ड, हियर्ड नो लॉन्गर यानी ज्यादा दिनों तक वह पियानो को नहीं बजाया था। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि इन द सेकेंड हाफ ईयर, द सिक्स्थ ईयर यानी छठे साल के दूसरे तिहाई में, द प्रिजनर यानी लॉयर जो कैदी था, प्रिजनर माने कैदी, बिगेन टू स्टडी, पढ़ने लगा। क्या चीज, वो ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, साइंस नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, लैंग्वेज माने कई देशों का भाषा को पढ़ने लगा। 89 हुआ। आगे पढ़िए 90, इन द 10th ईयर, इन द 10th year द लॉयर रीड ओनली, 10वें साल में लॉयर ने जेल में केवल न्यू टेस्टामेंट पढ़ा था। आगे नाइन्टी वन में कह रहा है कि आई स्पोक टू राजन, यहां देखिए ये क्वेश्चन कल आया था, about my visit to my I speak to Rajan about, देखिए यहाँ गलती लिखा गया है, अब इसको सही करना। I spoke to Rajan about my visit to Mysore, तो यहाँ राजन कैपिटल हो गया, सब एक ही तरह से है। about my visit, देखिए विजिट यहाँ पर है विजिट यहाँ पर है और विजिट यहाँ पर है। मैसूर, यहां देखिए एक्सक्लामेशन है तो ये नहीं होगा मैसूर। तो अब देखिए आई स्पोक राजन अबाउट माई, आई स्पोक टू राजन अबाउट माई विजिट टू मैसूर। तो अब देखिए यहां पर ये भी नहीं होगा। अब ये दो गो बच गया, आई स्पोक टू राजन, तो यहां पर राजन अबाउट माई विजिट टू मैसूर, यहाँ टू ये दोनों, तो यहाँ आपका दोनों हो सकता है। अगला है वी वेंट टू दिल्ली, ये कल क्वेश्चन आया था। दिल्ली कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा और ये भी कैपिटल होगा। अब देखिए वी वेंट टू, कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ ये दोनों मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये दोनों मिल गया भाया। अब देखिए ये यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो बच गया एक ये ही, तो आपका ये आंसर हो गया। सीता इज प्रीटी, प्रीटी मतलब सुंदर, मीना इज प्रीटी तो मीना सुंदर है, यानी दोनों सुंदर है। तो सीता इज एज प्रीटी एज मीना, यानी सीता उतनी सुंदर है जितनी मीना। ये आपको ये हो गया, पॉजिटिव डिग्री में होगा। आइए 94 में आपसे पूछा जा रहा है कि द ओल्ड मैन इज वेरी वीक ही कैनॉट वॉक, ये भी कल था। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, यहाँ पर बूढ़ा आदमी इतना ना कमजोर था कि वो टहल नहीं सकता है। तो ये रिमूवल टू होता है। टू चार प्रकार का होता है, एक टू, इसके बाद से नाउन या परनाउन आता है, तब यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है भी। अब उसके बाद से आता है टू प्लस एक एडजेक्टिव, फिर उसके बाद से टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू वर्ब वन, और एक आता है टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू वर्ब वन प्लस नाउन या परनाउन। तो जब ये रिमूवल टू पढ़िएगा तो उसमें आएगा। उसकी आवाज बहुत प्यारी है, ये तो कल आया था सर। हिज वॉइस इज वेरी स्वीट, उसकी आवाज बहुत प्यारी है, तो हर वॉइस, हिज वॉइस इज वेरी स्वीट। 95 में ये होगा। 96 मैंने एक सपना देखा, ये भी कल आया था सर। ये सब रिपीट हो रहा है तो ये देखिएगा आई सॉ अ ड्रीम। आगे देखिए हम विद्यार्थी हैं, देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, वी आर स्टूडेंट्स। जब लोग ज्यादा होंगे तो स्टूडेंट भी ज्यादा होंगे। उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ना पड़ता है किसी काम को करने के लिए बाध्यता या किसी काम को करवाया जाता है। ही हैज टू वर्क हार्ड, ये इसका ये होगा। कल ही वाला क्वेश्चन है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ हैज है, यहाँ हैज है, यहाँ द है, ये हो गया। ताज महल, देखिए यहाँ भी गलती है बाबू। जब हिस्टोरिकल प्लेस होता है या कोई दुनिया में एक होता है तो उस वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है और उसके पहले क्या लगता है, द ताज महल इज बिल्ट ऑफ मार्बल। यहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा, नो। आशा है कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। हम कल दो तीन दिन तेजी से इसलिए पढ़ाएं कि लगातार क्या था, एक दूसरे के बाद एक दूसरे टीचर, लेकिन हम इस बात को समझे कि नहीं, जो भी पढ़ाना है आराम से पढ़ाना है और उसी तरह से पढ़ाएंगे, इसी स्टाइल में पढ़ाएंगे और आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तब तक के लिए सुविधा, हैव अ नाइस डे।